नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन का एक पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है हमारे आसपास। बच्चों, हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती है, उन सबके मेल से हमारा परिसर बनता है। उसमें मिट्टी, पत्थर, रोड़े हैं, नदी, नाले, ताल, तलैया है, हवा भी है, पहाड़ियाँ तथा टीले है, जंगल है, खेत, घर और सड़कें भी है, उजड़ी पथरीली भूमि है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्राणी है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों तथा लताओं से हमारा परिसर सुसज्जित है। हम भी इस परिसर के ही एक भाग है। बच्चों, सजीव किसे कहते हैं? सजीव इसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनमें जान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य इत्यादि। और निर्जीव किसे कहते हैं? जिनमें जान नहीं होती उन्हें निर्जीव कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक आदि वस्तुएं। परिसर के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पानी और हवा परिसर के ही घटक हैं। सभी सजीवों को इनकी आवश्यकता होती है, वैसे ही सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें यह भोजन परिसर से ही मिलता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं भी परिसर से ही मिलती है। पंछी घोंसले बनाते हैं, उसके लिए पंछियों का कपास, तिलिया, धागे जैसी वस्तुएं लगती है। वे वस्तुएं उन्हें इसी परिसर से मिलती है। मनुष्य तो परिसर से कितनी सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, कपास, ऊन, रेशम आदि वस्तुएं परिसर से ही मिलती है। इनसे हमें कपड़े तैयार करते हैं। परिसर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से मनुष्य चटाइयाँ, टोकरियाँ, कॉपी का कागज़ जैसी वस्तुएं बनाता है। घर बनाने के लिए मनुष्य को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इत्यादि वस्तुएं परिसर से ही मिलती है। कुछ वनस्पतियों के बीज पवन द्वारा बिखरे जाते हैं, इस कारण वनस्पतियों के नए पौधे अलग स्थानों पर तैयार होते हैं। तात्पर्य यह है कि परिसर द्वारा वनस्पतियों को भी सहायता मिलती है। सजीव जो वस्तुएं परिसर से लेते हैं, परिसर उनका क्या प्रभाव होता है होगा? गिद्धड़, लोमड़ी जैसे प्राणी मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं, अपना पेट भरते भरते ये प्राणी परिसर को स्वच्छ करते रहते हैं। मरे हुए प्राणियों के बीच बचे हुए भाग सड़ते हैं, यह सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में मिश्रित हो जाता है। वृक्षों की सूखी पत्तियों भी झड़ती है, वे भी मिट्टी में गिरकर सड़ती है। इनसे मिट्टी कसदार बनती है। कसदार मिट्टी द्वारा वनस्पतियों का अच्छा पोषण होता है। इसका अर्थ यह है कि निर्जीव वस्तुओं से भी सजीव द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमारे परिसर में असंख्य वस्तुएं हैं, इनमें से कुछ सजीव और कुछ निर्जीव है। सजीव स्वयं ही हलचल करते हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन द्वारा उनकी वृद्धि होती है। सजीवों द्वारा उनके जैसे ही नवीन जीव उत्पन्न होते हैं। सजीवों में कुछ प्राणी है तो कुछ वनस्पतियां हैं। सजीवों की सभी आवश्यकताएं परिसर द्वारा ही पूरी होती है। सजीवों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन होते हैं। परिसर के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सब्सक्राइब नाउ।